to Bombay after a long time, and I'm super excited to party as it's the launch of Failure Lounge, and I hope to have a great fun. I'm not a party person at all. I am always traveling with work, events, shows. So I feel the kind of industry we are in, we are partying every day. So don't really get time to party, but then tonight I am going to party with my friends as the entire fraternity is coming down and some friends will be around. I'm a foodie, but then I like to lounge. The year has already started. Kya naya raha aapke liye is saal? The year has started with a great start because I have three films coming up. One is a film with Deepak Tijori, it's called Tipsy, and it's an adventure thriller. And my another film is called Khali Bali with Dharamji, which is a horror comedy. And I'm doing Anjaan with Arjun Rampal, which is a horror thriller. So I have that role got viral big time. And people thought ki main real life police officer hoon. And many guys wanted to get arrested. It was a good feeling because I got call from all over the world. मतलब काफ़ी मीडिया वालों से कॉल आया मुझे. इवन खलीज टाइम्स कॉल्ड एंड सुहेल गलदारी आस्क मी. मेनी पीपल आस्क दैट कायनात इट्स यू. आई सेड यस इट्स मी. सो आई एम ग्लैड पीपल लाइक मी इन द पुलिस ऑफिसर रोल एंड इट वाज अ गुड फिल्म. थैंक यू सो मच. साल आ ही गया है तो आई थिंक इस गर्व भी टचवुड जो साल की अभी तक यू नो पिछले 20 दिनों की रफ्तार रही है काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है. चाहे वो आई थिंक फिल्म्स के लिए हो, चाहे वो म्यूज़िक के लिए हो, चाहे वो क्रिकेट के लिए हो, चाहे जितने भी आप सब परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई थिंक दिस इज सडन गाइड ऑफ एनर्जी इन दिस ईयर. लास्ट वन ईयर यू नो इन 2019 आई थिंक वी हैड सम ग्रेट फिल्म्स. टचवुड आई वाज अ पार्ट ऑफ कपल ऑफ देम एंड भैया हैज हैड अ ग्रेट रन एंड टचवुड आई होप द सेम रन कंटिन्यूज. यार आई कैन ओनली फील ब्लेस कि अगर वो ट्रस्ट बना है एंड टचवुड या कानपुरी हॉटस्टार पे आई वो भी यू नो एक फिल्म ऐसी थी जहाँ मैं फ्रंट रनर था एंड टच वुड पीपल हैव लाइक द फिल्म एंड हेलमेट अभी ख़त्म किया है. परसों उसका शूट खत्म हुआ है, सिर्फ एक सॉन्ग रह गया है. तो लेकिन हैविंग सेड दैट जो मैंने पिछले 7-8 फिल्में एज सपोर्टिंग एक्टर की है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि हाय कैसे हैं जी आप आर्शर कैसे हैं सब ठीक ठाक क्या बात है आइए उस तरफ आ जाइए ना फोटो हो जाएगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो फिल्में मैंने एज सपोर्टिंग एक्टर की हैं वो टचवुड इतना जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतनी जो विशेस मिली हैं, इतना जो प्यार और एक्सेप्टेंस मिला है अभी तक, उसी वजह से टचवुड अभी मैं राधा इस समय इस कैमरे के सामने खड़ा हूँ. एब्सोल्युटली यार एब्सोल्युटली आई थिंक जो इस साइड ऑफ बॉम्बे है ना वहाँ पे जो हलचल ग्रैब करने की काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी एंड फाइनली वी हैव अ प्लेस. क्योंकि यहाँ के लोग मुझे लगता है कि बैंड्रा जाते हैं पार्टी करने के लिए, अब जाने की जरूरत नहीं है. अंधेरी जाते हैं, अब जरूरत नहीं है. आप कितने बड़े पार्टी आने वाले हैं यार? यार अजीब बात यह है कि जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो तब मैं ड्रिंक स्मोक से बहुत ही दूर था, इसलिए उसके बाद क्रेज़ बना ही नहीं. सो आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई लव डांसिंग. उसी के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ एंड आई एम हियर टू यू नो बी विद ऑल माई फ्रेंड्स. And yeah, Dino is also coming, my producer of my first film. So yeah, looking forward to party with them tonight. And apart already the year has started, you know, kis tarah se shuruaat hui is tarah? I mean, of course, a great year. Yeah. Jo last year hua tha aapka. Yeah, 2019, Touchwood has been good in totality. Har ek cheez ke liye, I think hospitality industry ke liye, you know, films ke liye, har ek ke liye kaafi achha saal raha hai. And wishing 2020 to be even better. 2019 आप दोनों भाइयों के लिए अच्छा रहा, तो क्या डिस्कशन होती है फिल्म्स को लेकर और क्या सजेशन देते हैं आप दोनों एक दूसरे से? ऑनेस्टली बताऊं तो फिल्म्स को लेकर बहुत कट टू कट डिस्कशन होती है अबाउट हाउ टू जस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड द स्क्रिप्ट एंड आई थिंक उतनी ही डिस्कशन काफ़ी है. दैट्स द मेन पॉइंट. दैट्स वही एक लाइन ड्रॉ करके चलनी पड़ती है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं इस शहर में, डिजिटल फ्रंट पे, फिल्म फ्रंट पे, यू नो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने किस किस फिल्म का प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है. सो जस्ट ट्राइंग टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड या आई होप 2020 विल मेक मी डू दैट. शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
रिएक्शन क्या था? बस यही कह, नहीं मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, ट्रेलर में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और आई थिंक मज़ा आया वो पंचेस देख के, वो किसिंग सीन देख के. आई थिंक इट्स अ रियली गुड ट्रेलर, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई मस्ट से दैट फिल्म इज इवन बेटर देन द ट्रेलर. सर आप क्या कहना चाहेंगे इस लॉन्च के बारे में? फाइनली जो है आइए, अपने कहा कि अरे आइए ना, कौन बोलेंगे, आइए आप बोलिए. बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यूनिक है. मैंने एक पिकॉक का थीम भी रखा है और लाइट्स भी पूरे बॉम्बे में वो किसके पास भी नहीं है जो मैंने लाइट्स डाली है. आपको जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो लाइट्स किधर भी आपको मिलेगी नहीं जो मैंने सीलिंग पर डाली हुई है. बेसिकली ऐसा है कि पिकॉक थीम को मैं लेके चला हूँ. आई एम अ पिकॉक लवर. क्या देखिए, अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन गोरेगांव में मोर नाचा सबने देखा. सो या कांग्रेचुलेशंस ऑन ओफेलिया, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तो सुना कि देखने के लायक है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए. लोग जाते हैं बांद्रा जुहू साइड में, बट दिस इज समथिंग न्यू कि इस साइड में. बढ़िया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर जगह लोग हैं जो पार्टी करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट हियर. सब लोग जाते हैं बांद्रा अंधेरी वगैरह वगैरह, बट गोरेगांव में सुपर है यार. था मैं, अभी मैं बहुत कम करता हूँ. आई वॉच मूवीज एट होम एंड आई लाइक टू रीड, बट कभी कभार जब दोस्त बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ. प्रोफेशनल में पाजी है, अपार पाजी के साथ मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक बेहतरीन, बहुत बेहतरीन पिक्चर है. फिल्म का नाम है हेलमेट, शायद सुना होगा. हाँ जी, तो वो मेरे ख्याल से जुलाई 3 तारीख को शायद रिलीज़ होने वाली है. एक बहुत बढ़िया पिक्चर हम बना रहे हैं. हेलमेट आप जानते हैं, वो हेलमेट नहीं है, वो हेलमेट नहीं है जो आप सोच रहे हो. अच्छा ठीक है, पिक्चर वही है. तो एंड बिसाइड दैट आई एम शूटिंग 3 वेब सीरीज़. सारे शूटिंग अली अब्बास के साथ में काम कर रहा हूँ. हॉस्टेजेस 2 कर रहा हूँ और मेंटल हुड करिश्मा कपूर के साथ. And now 1/4th one जो अभी शुरू करने वाला हो, जो नाम अभी फिलहाल बता नहीं सकते. किस तरह के शेयर मिलेगा अलग रूप में, मैं किस तरह जी, मैं एक्चुअली बचपन से काफ़ी इंटरेस्टेड था. आई हैव बीन वेरी एम्बिशियस, तो बिजनेस और कुछ नया करना हमेशा मन में, ये तो आप हमेशा सोचते कि क्या नया कर सकता हूँ. सो आई हैव इन्वेस्टेड इन अ फ्यू टेक कंपनीज, कुछ नए बिजनेस मैंने शुरू किया एंड फॉर्चुनेटली टच वुड, भगवान का शुक्र ये है कि इट्स डूइंग रियली वेल. सो खुश हूँ मैं, हैप्पी हूँ, और क्योंकि वो अच्छा चल रहा है आई कैन डिसाइड व्हाट मूवीज और व्हाट आई वांट टू एक्ट इन. थैंक यू बॉस. फॉर द लॉन्च ऑफ ओफेलिया दे आर टेलिंग मी देयर इज अ होल पीकॉक थीम एंड आई लव पीकॉक्स, सो आई थिंक आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू. No, I'm not, but I'm always there for my friends. So when Bunty and everybody told me that there's this new place and it's quite cool and you should come check it out, I'm always there when there's interesting food and I do like new places, so I was like, I should check this out. Yeah. And what else is happening on the professional front? I mean talking to Instagram, you know what's happening around. I mean, I'm very happy that Tana ji is doing amazing business. It's doing 200 crores, apparently, I've heard, and everybody's liking what I've done. It's a small thing, but people are sending me sweet messages, so I'm happy. My next release is my Punjabi film, Ek Sandhu Hunda Si. I hope I've got the pronunciation right. Excited about that. Lots of other things, as and when they announce it, I'm going to talk about it. Thank you so much. We are very happy for this. Let's see actual proposal kya banta hai. Aur aapka show, aapka jo Baron aur Baron action dono bahut acha kar raha hai, to aaj hum log sirf Ophelia ke liye hai, so congratulations for that. Thank you. चलने वाला है जगह, तो आई एम श्योर जो भी म्यूजिक लोग जिसको भी लेके आएंगे लाइव के लिए लेकर आएंगे, जो डीजे होगा, जो भी इनका सेट होगा स्पेशल माइंड होगा, आई थिंक उसी के बाद सब चलने वाला है. सो आई एम श्योर, अब मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि म्यूजिक लाइन का हूँ, तो आई एम डेफिनेटली गोना डू समथिंग फॉर देम. आई थिंक अभी तो जाके देखना बचा है, अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ. काफ़ी मेरे सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला है यहाँ पे आना है, देखना है और प्लान करना आगे. सो जितना मुझे पता चला है इट्स अ ह्यूज स्पेस,
एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर एरिया में कोई जगह होनी चाहिए मेरे ख्याल से जहाँ पे नाइट लाइफ जो ग्रो करे और जो लोगों को एक अच्छी जगह दे. तो आई थिंक इट्स वेरी मच नीडेड एट दिस प्लेस. आई थिंक दे विल डू गुड. या मैं जब किसी क्लब में एंटर करता हूँ सबसे पहले तो एक एम्बियंस देखता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे क्राउड क्या है, क्योंकि जनरली हम लोग जाते हैं तो हम लोग के लिए ना इजी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कौन बैठा है, वहाँ पे कैसे लोग हैं वहाँ पे, और कितना क्लीन है वहाँ पे, एम्बियंस कितना अच्छा है और क्या ट्रीटमेंट मिलता है. जनरली अच्छी बात ये होता है कि हम लोग जिस भी नाइट लाइफ क्लब्स में जाते हैं वहाँ का सबका बहुत प्यार मिल रहा होता है, सबका सपोर्ट मिलता है. सो वी आर वेरी हैप्पी इन दैट मैटर कि सब लोग का प्यार मिल रहा है एंड क्लब्स में हम लोग को उतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है. सो हम लोग को अच्छा लगता है क्लब्स में आना अगर प्यार मिलता है तो. अच्छा, अभी रिसेंटली एक हाल ही में फिल्म का गाना जो मैंने गाया था रकुल प्रीत और अपने वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ. आपको खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो, खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो, दिल ने कहा ही मुझसे बल्ला बल्ला लगता है कुछ तो अलग से है, दूर में हुआ हूँ खुद से, इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है, इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है, कोई मुझको जरा बताना, ना समझू तो समझाना, जिसे ढूंढ रहा है दिल ये उसका है कहाँ ठिकाना, कहना उस लव यू है, इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है. So that's the song of I think Rakul Preet, Hema Malini and कौन सा मेरा नया एक्टर है उस फिल्म के अंदर, राजकुमार राव. तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सुनिएगा और प्यार दीजिएगा इस गानों को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आया हूँ और पता चला मुझे आप लोगों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए कि एक नया प्लेस आया हुआ है, तो जाने वाला हूँ, ऊपर देख के आऊँगा कैसा है. बहुत एक्साइटेड हूँ, लग रहा है कुछ अच्छा होगा बहुत. आप सब लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी लोगों को आते जाते हुए भी देखा मैंने, तो आई एम एक्साइटेड. लेट्स सी क्या है ऊपर. एग्जैक्टली यार, अभी तक जो पार्टी करते थे वो शायद अंधेरी, बैंड्रा और जूह साइड ही पार्टी करते थे. पहली बार इस साइड पे कोई प्लेस को लेके इतनी बड़ी बात रखी गई और इतने अच्छे से प्रमोशन किया गया था. आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस साइड के लोग कैसे पार्टी करते हैं वो देखने आया हूँ मैं यहाँ पे. आई होप अच्छा ही होगा.